हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आने का सोच रहे हैं यूके में एज अ स्टूडेंट, ये वीडियो उनके लिए है। और इसमें मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वीज़ा जो है स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स, वो आप यूके में नहीं आ सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसी है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, इंडिया से। अभी इस टाइम यूके में हूं और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यूके में, ठीक है, या यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली 80-90% एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। बहुत रेयर में जो लोग होते हैं वो अपने आप अप्लाई करते हैं। तो जो अपने एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने एजेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। आप उनसे पूछिए कि जो भी प्रोसेस है आप उसमें इन्वॉल्व होइए, मतलब क्वेश्चन पूछिए उनसे कि यूनिवर्सिटी ने क्या मेल किया है। और कोशिश करिए कि अपने एजेंट को बोलिए कि आपकी ईमेल आईडी डालेगा, ताकि जो भी रिप्लाई आए वो आपकी ईमेल आईडी पे आए। क्योंकि एजेंट क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी पे डाल देते हैं और खुद ही बात करते हैं और आप लोगों को जो है अंधेरे में रखते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उसमें इन्वॉल्व रहिए। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक मेरे को पता लगा है कि स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उसने, वो यूके में आ गया, उसने अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका। तो वो आने के बाद उसने वहाँ पर इंडिया से अपनी 50% जो फीस थी, अराउंड 7,000 pounds के आसपास उसने जमा कर दिया था। और उसको बोला था कि बाकी जो है आप EMI में जाके जमा कर सकते हो इंडिया यूके में आके, ठीक है। ठीक है, वो आ गया, उसका वीज़ा सब लग गया। अब यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी जैसे ही उसने पहुंचा वो, तो उसको बोला गया कि आप जो है अपनी फुल फी पे करिए, उसके बाद ही आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो गाइज आप अगर ऐसा करके हाफ फी पे करके आ रहे हो, तो आप वो ऐसा मत सोचिए कि मैं वहां पे जाके जॉब करूंगा उसके बाद पैसे निकाल के उसमें से जमा कर दूंगा, फी डिपॉजिट कर दूंगा अपनी, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर आप हाफ फी पे करके आ रहे हैं तो अपनी जो बची हुई फीस है वो भी साथ में लेकर आए। आप जो आप इनकम करेंगे यहाँ पे कमाएंगे वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर इफ इन केस अगर आपसे बोल दिया जाता है कि आप फुल फी पे करिए उसके बाद ही आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जो है हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अब मैं वीडियो में बात कर लेता हूँ जो मैंने टॉपिक डाला है कि डिपेंडेंट अब स्टडी वीज़ा पे नहीं आ सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे अब यूके में, यूके की गवर्नमेंट ने कितना अच्छा गेम खेला है देखिए आप, ठीक है। यूके की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं मना किया है कि डिपेंडेंट नहीं आ सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि आप जो है डिपेंडेंट्स जो भी आते हैं स्टूडेंट के साथ उनको रिड्यूस करिए। क्योंकि अगर यूके की गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल देती तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट फ्लो आ रहा है यूके में जो कि सबसे ज़्यादा है इस टाइम वर्ल्ड में, वो कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से ख़त्म भी हो सकता है। तो वो रोकने के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि स्टूडेंट ना आए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कुछ अनाउंसमेंट नहीं करा है। ये इनडायरेक्टली इन लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिया है। वो कैसे कर दिया है मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया है कि आप जो है स्टूडेंट जो भी आपके साथ पढ़ने आएगा आप उनको डिपेंडेंट वीज़ा मत दे दीजिए। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि आपका फीस जो भी है फीस जमा करवाएंगी, रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, उसके बाद आपसे हाफ फी पे करवा लेंगी, उसके बाद आपका कैश आ जाएगा। कैश आने के बाद आपको पता नहीं लगेगा, कैश भी आ जाएगा, उसके बाद उसमें लिखा होगा कि आप डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, ठीक है, डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, कैश में आ जाएगा आपका।
अब सोचिए आपने फीस भी पे कर दी है, सब कुछ हो गया है आपका, अब वीजा के लिए अप्लाई करना है और आपको पता लगेगा कि डिपेंडेंट्स तो आ ही नहीं रहे। अब उस केस में क्या करोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप रिफंड मांगोगे तो वो उसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे। तो ये गेम जो यूके की गवर्नमेंट ने अभी खेला है कि भाई डायरेक्ट मना ना करके यूनिवर्सिटीज को बोल दिया है कि भाई आप डिपेंडेंट अलाउ ही मत करो अपने स्टूडेंट्स को आने के लिए। तो अब कैश में जो है ये लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं। अगर जैसे 50 या 100 कैश वो करे हैं उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने दिए हैं बच्चों को, तो उसमें से 10 या 15 के ही सिर्फ डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। वो भी यूनिवर्सिटी अपने मर्जी से वो करेगी कि भाई आप डिपेंडेंट ले आओ इनको, लेकिन बाकी 90 का अब वो डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है जो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं फैमिली के साथ उनके लिए, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाए कि हम अप्लाई भी कर दें, और वो मैं बता देता हूँ आपको। आप क्या करिए, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी से आप जिसमें भी आप करना चाहते हैं, अगर वहाँ से आपका रिप्लाई आ जाता है कि भाई हाँ आप रजिस्ट्रेशन करिए और ये करिए, उससे पहले आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, ठीक है। उनसे डायरेक्ट कहिए कि मैं जो हूँ फैमिली पर्सन हूँ और मेरे स्पाउस भी है साथ में, तो क्या आप मेरे स्पाउस को आने दोगे, वो एज अ डिपेंडेंट आ सकते हैं। अगर चिल्ड्रन हैं तो उनके लिए भी पूछिए साथ में कि हम आ सकते हैं। आप प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सब करना है, नहीं तो प्रोसेस हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, जब कैश आएगा उसमें लिखा होगा कि आप डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। अब ये हो गया है यूके में, और ये अभी शायद बहुत लोगों को नहीं पता लगा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ ये। तो इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, जब भी आप अगर स्टूडेंट के लिए आना चाह रहे हो या अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो यूनिवर्सिटी से पहले ही पूछ लेना भाई कि मैं डिपेंडेंट्स ला सकता हूँ अपनी या नहीं ला सकता। आप अगर ला सकते हो तो ही मैं आपके साथ आगे प्रोसेस करूंगा अपना एप्लीकेशन, नहीं तो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता आपके साथ, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता, ठीक है गाइस। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो सोच रहे हैं यूके में आने के लिए। और यूके की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बंद नहीं कराया, यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया है कि भाई आप डिपेंडेंट्स अलाउ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब बुरा हाल हो गया है डिपेंडेंट्स आके। यूके में जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, बुरा हाल है, इसलिए अब यूनिवर्सिटीज जो है ये बताएंगे नहीं आपको, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको जब कैश आएगा आपको पता लगेगा कि आप अप्लाई करोगे या डिपेंडेंट्स के लिए, वहाँ आपका जो है वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर उसमें लिखा होगा कि नो डिपेंडेंट्स अलाउड। तो गाइज एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ही उनसे पूछ लेना, ठीक है, और अपने एजेंट से भी बोल देना कि भाई मेरे को बता दो यूनिवर्सिटी का कहाँ लिखा हुआ आया है, कहाँ यूनिवर्सिटी ने लिख के भेजा है कि भाई डिपेंडेंट्स ला सकते हो, उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। फीस बिल्कुल भी मत पे करना भाई, फंस जाओगे, और इंडिया में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। तो अभी ये न्यूज़ जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगी, मतलब मैं समझता हूँ नहीं पता होगी किसी को भी, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं अब जुलाई इनटेक में और सितंबर इनटेक में, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।